दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे चिड़िया टापू। दोस्तों आगे देखिए, ये बर्मा नाला शीशोर रोड। हाथी देखकर मैंने गाड़ी से उतर गया और हाथी का वीडियो शूट करने लगा। देखिए हाथी बहुत खुश है, लेकिन नज़दीक जाने को डर लग रहा है क्योंकि बोल नहीं सकता। हाथी कब बिगड़ जाएगा, क्या करेगा समझ में नहीं आता। इसका वीडियो दूर से करना ही अच्छा है, हम तो नज़दीक नहीं जाएंगे। इनका बगल में दो माउथ है, माउथ अभी उनको लेके जा रहा है। दोबारा हाथी जाना नहीं चाहता क्योंकि दोबारा इनको लकड़ी तनाएगा, इसलिए हाथी समझ गया ये जाने के लिए इनकार कर रहा है। ये आप देख रहे हैं चिड़िया टापू जेटी, यहाँ बोट बंधा हुआ है। ये सारा बोट फिशिंग के लिए भी है, यहाँ से आप रोट आइलैंड काला पहाड़ जा सकते हैं। दाएं तरफ जाता है गेस्ट हाउस और बाएं तरफ चिड़िया टापू मुंडा पहाड़। देखिए दोस्तों, ये बायोलॉजिकल पार्क चिड़िया टापू। यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ टिकट ले सकते हैं, यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना देखकर आप अंदर जा सकते हैं। अंदर में आपको यहाँ से एंट्री है, अंदर में पार्क है। सामने में दोस्तों ये विजिटर सेंटर है, यहाँ अंदर में हॉल रूम है, आप आके यहाँ बैठ सकते हैं हॉल रूम में। चलिए आपको ले चलते हैं अभी मुंडा पहाड़। ये मुंडा पहाड़ बीच आप यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ बाय साइड में पार्किंग आप देख नहीं सकते, ये पार्किंग है, बाइक यहाँ रखा हुआ है। और थोड़ा पीछे साइड में जो है कार फोर व्हीलर रख सकते हैं आप। यहाँ में वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। ये है दोस्तों, यहाँ आपको नाम एंट्री कराना होगा। यहाँ आप गाड़ी लेके आते तो गाड़ी का नंबर और नाम यहाँ लिखाना पड़ता है। लिखाने के बाद में ही आपको अंदर जाना है। यहाँ मोबाइल नंबर भी नोट किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपको जो सामने में दिखता है हार्ट, आपको यहाँ बैठने के लिए रेस्ट करने के लिए इको हार्ट नंबर 2। ये बहुत सारा हार्ट इस तरह आपको देखने मिलेगा। यहाँ से आपको सामने का सीनरी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सामने में रूट आइलैंड काला पहाड़ आपको देखने मिलेगा और समंदर का जो लुक आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा बीच है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा बीच मुंडा पहाड़ का। बहुत बड़ा बीच है, ऐसा बीच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत शानदार बीच है दोस्तों। देखिए
जितना दूर आप दिखाई देते हैं बालू ही बालू दिखते हैं, बहुत दूर तक आपको आप चलेंगे भी तो चल नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, इतना दूर बालू ही बालू, ऐसा लगता आप कहीं राजस्थान डिजर्ट में आ गए। यहाँ सामने में एक खाट दिखाई देता बहुत ऊंचा में है, वहाँ इस हाट का पीछे में मैंगड़ो का पेड़ है, नारियल पेड़ बगल। यहाँ पर रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर आपको ड्यूटी करता हुआ दिखाई मिलेगा। सामने में जो आइलैंड दिखाई देता है रूट आइलैंड उसका नाम है, सभी कोई उसको काला पहाड़ भी बोलता है। वहाँ बहुत सारा फैमिली रहते हैं, स्कूल है वहाँ, मेडिकल है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं आम है, खीरा है, झालमुड़ी है, ये रखा हुआ है झालमुड़ी, हर तरह का मसाला है। दादा कत को झालमुड़ी भाई साहब ने यहाँ झालमुड़ी बना के दे रहा है, एक झालमुड़ी का रेट 40 रुपया। बालो टेस्टी लग भी तो ये देखिए खीरा छिल रहा है, मैंने बोला मेरे लिए एक खीरा दे देना, ये तो लग भी ना, तो देखिए फटाफट इन्होंने छीला वही एक रकम हां शशा काटे तो मुक्त एक रकम घास कर मुझे दिया, तो होबे ना दरकार नहीं। अच्छा बहुत ही अच्छा लगा, শুধু একটু নুন মেখে দেন, হালকা নুন দেবেন, ঠিক আছে, বেশি দেবেন না, বিট নুন বেশি দিলে তেতো হয়ে যাবে। দোস্তো ব্লু স্কাই আন্ডামান চ্যানেল আপ দেখতে রহিয়ে, एक से एक बेहतरीन आपको वीडियो दिखाते रहेगा। आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गुड नाइट दोस्तों।